बिहार की राजधानी पटना से निकलकर एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी पटना में सरकारी गाड़ी से शराब की जो है बड़ी बड़ी पेटियां ले जाते हुए पुलिस ने पकड़ा। जहां बिहार में शराबबंदी है, वहीं नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लाया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा समर्थित नीतीश कुमार की सरकार है और यहां शराबबंदी है, लेकिन शराब की जो डिलीवरी की खेप होती है वह सरकारी गाड़ियों से होती है। कौन लोग हैं जो सरकारी गाड़ी से ही शराब बेचते हैं, लेकिन वही कोई दलित आदिवासी अति पिछड़ा गरीब लोग अगर शराब पीते हुए कहीं पकड़ा जाए या काम करके दिन भर थकने के बाद वह शाम में पी ले और पीकर आराम करे तो नीतीश कुमार की पुलिस उसको ऐसे पकड़ता है, ऐसे उसके साथ सजा देता है, लगता है कि देश का बड़ा कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, देश का बड़ा कोई देशद्रोही पकड़ा गया है, राज्य का बड़ा कोई राजद्रोही पकड़ा गया है। नीतीश कुमार की शराबबंदी का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, सिर्फ दलित शोषित वंचितों के लिए है, अति पिछड़ों के लिए होता है, लेकिन बड़े लोगों के साथ होम डिलीवरी होती है। इसका पुख्ता प्रमाण राजधानी में सरकारी गाड़ी से जो होम डिलीवरी हो रही है, ये सीधा सीधा उसका प्रमाण होता है। तो कहाँ है नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए की सुशासन की सरकार, जो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है कि बिहार में शराबबंदी है। तो कहाँ है शराबबंदी, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घरों में होम डिलीवरी पहुँचाई जाती है, बड़े बड़े लोग पीते हैं, उसके सामने में प्रशासन नतमस्तक है, लेकिन वहीं अगर कहीं गरीब दलित आदिवासी अति पिछड़ा पी ले तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है, उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, बेचारे कमा उमा के कुछ जमा रखते हैं बाल बच्चे, तो ये पुलिस या कानून शराबबंदी कानून उनको पकड़ता है और उनको सजा के नाम पर या छुड़ाने के नाम पर उनके जो जमा पूंजी रहता है वह सीधे के सीधे ये लोग किसी न किसी बहाने से उनसे लूट लेते हैं। मतलब नीतीश कुमार की जो सरकारी कानून है, शराबबंदी का कानून है, वह सिर्फ शोषित वंचितों दलितों आदिवासी आदि पिछड़ों के लिए है, लेकिन बड़े लोगों के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो राजधानी जैसे पटना जैसे शहर में राजधानी में सरकारी गाड़ी से शराबबंदी शराब की डिलीवरी नहीं होती। और आखिर कौन लोग हैं, सरकार इनको उजागर करे, पब्लिक के सामने इस बात को रखे और यदि कोई कानून बनता है तो सबके लिए समान हो, ना कि गरीबों दलित शोषित वंचितों के लिए अलग हो और अमीरों के लिए अलग हो। ये कहीं ना कहीं सरकार की एक तरफा और विफलता को दिखाती है, कहीं स्वशासन की सरकार नहीं है। नीतीश कुमार अपने इस रवैये से बाज आए और गरीब दलित शोषित वंचित अति पिछड़ों पर शराबबंदी के नाम पर अत्याचार करना बंद करें। अगर उनको यदि ये कानून सख्त लागू करना है तो राजधानी जैसे में और सरकारी गाड़ी में कैसे बिका, इस पर जवाब देनी चाहिए। थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो इनके जो मंत्री हैं, इनके जो विभाग हैं, उनसे इस्तीफा मांग लेनी चाहिए। शुक्रिया।